बिदना के भूमाफिया के स्कूल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को भूमाफिया घोषित किए जाने की श्रेणी में औरैया जनपद के बिदना में भी एक भूमाफिया घोषित किया गया। आज उप जिलाधिकारी बिदना ने दलबल के साथ तहसील क्षेत्र के भूमाफिया घोषित किए गए। राकेश यादव पुत्र स्वर्गीय दरबारी लाल यादव इटैली के ग्राम पंचायत की जगह पर श्री सहोद्रा देवी इंटर कॉलेज संचालित कर रहे थे, जिस पर आज प्रशासन की टीम ने पहुंचकर ग्राम पंचायत की जगह पर बनी स्कूल की इमारत को गिरवा दिया। इस समय में राकेश यादव को गैंगस्टर में जेल भेजा गया। प्रशासन की सख्ती को देखकर लग रहा है कि अब कोई भी जगह अवैध कब्जे करने वालों के पास नहीं रहेगी। इस मौके पर तहसीलदार विधुना करम सिंह, अनूप वाजपेयी संग्रह, अमीन योगेश शाह के लेखपाल विधुना तथा पुलिस बल मौजूद रहा। संवाददाता अमित कुमार शर्मा, विधुना औरैया। थाना क्षेत्र के टैली में एक स्कूल गिराया गया है, किस तरीके से क्या कार्रवाई की गई थी? टैली में राकेश यादव का इंटर कॉलेज था और वो इंटर कॉलेज पूरा इंटर कॉलेज नवीन भर्ती बना हुआ था। तहसीलदार महोदय के माध्यम से उनको धारा 67 का कार्रवाई की गई, उसके बाद उनको बेदखल किया गया। तहसीलदार के आदेश के खिलाफ उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपील की गई, अपील भी उनके खारिज हो गई। इसके बाद तहसीलदार के द्वारा 2-3 बार उनको नोटिस जारी किया गया कि आप हटा लें, क्योंकि ये स्कूल नवीन भर्ती बना हुआ। 3 बार नोटिस देने के बाद जब उनके द्वारा नहीं हटाया गया तो फिर कल पुलिस बल के माध्यम से उस सहोदरा इंटर कॉलेज को जो नवीन भर्ती बना हुआ था पूरा ध्वस्त करा दिया। सर, किन किन धाराओं के तहत आता है और किस तरीके धारा बता दी? 67 धारा के तहत तहसीलदार ने कार्रवाई किया।